पौराणिक घटना है कि भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मथुरा के राजा कंस के कारागार में कृष्ण कन्हैया ने जन्म लिया। कृष्ण के बड़े भाई बलराम के नाम से जुड़े यूपी के बलरामपुर में ऐसा ही एक संयोग बना। यहाँ की जिला जेल में 19 अगस्त यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही एक महिला कैदी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। बच्चा दुनिया में पहली बार कदम रख रहा था और वो भी जेल में। उसकी नियति तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन अपने प्रयासों से मासूम बच्चे के स्वागत को सुंदर बनाया जा सकता था। यही सोचकर जेल के कर्मचारियों और कैदियों ने मिलकर उसके स्वागत की अनोखी तैयारी शुरू कर दी। 19 अगस्त को माया देवी नाम की महिला कैदी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म होने पर जेल प्रशासन के साथ साथ महिला कैदियों में भी खुशी की लहर है। सब ने मिलकर माया देवी को बधाई दी। जब बच्चा हुआ तो तुम लोगों को कैसा लगा? हम लोग भी बहुत खुश थे कि आज अच्छा सा इतना व्यवस्था की हम लोग को भी अच्छा लगा। सबका सहयोग रहा, अधिकारी के स्टाफ के सब लोग के सहयोग से अच्छे से छठी मनाई है। माया देवी करके एक महिला बंदी हमारे यहाँ इसी साल मार्च में गर्भवती अवस्था में निरुद्ध हुई, तो उसकी गर्भवती अवस्था को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसके खान पान उसकी चिकित्सा का काफ़ी ध्यान रखा। जब कभी भी जरूरत पड़ी तो उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज के उसकी जांच कराई जाती थी, जिसके फलस्वरूप इसी साल जन्माष्टमी के अगले दिन उसने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। और इसलिए माँ और बेटे बच्चे दोनों के मानसिक स्थिति सही रहे, कोई कुप्रभाव ना पड़े, इसलिए हमने छठी महोत्सव मना के एक घर जैसा वातावरण देने की कोशिश की। इसमें बाकी महिला बंदी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें लोकगीत सोहर का गायन हुआ, नृत्य भी हुआ, और सारे स्टाफ और बंदियों में एक अच्छा मैसेज जाता है अंदर में भी और बाहर में भी। और इस उपलक्ष्य में माँ बेटे को जेल प्रशासन की तरफ से कपड़े गिफ्ट किए गए, झूले गिफ्ट किए गए, खिलौने गिफ्ट किए गए, और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और इसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से ये मंशा होती है कि जो यहाँ पे बंदी बंद हैं उनकी मौलिक अधिकार का किसी तरीके से हनन ना हो, उसका ध्यान रखा जाए, अच्छे से उनकी व्यवस्थाएं जो है उनको दी जाए, तो वही हम करते हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।